साल 1966 में गुरुदत्त ने एक हिंदी क्लासिक फिल्म का निर्माण किया जिसका नाम है बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती है, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं। फिल्म बहारें फिर भी आएंगी ये गुरुदत्त की आखिरी फिल्म कही जाती है और आज के सिनेमा घर में कहानी बहारें फिर भी आएंगी की। प्रेम त्रिकोण के कथानक पर बनी श्वेत श्याम इस फिल्म के निर्माता गुरुदत्त थे तो निर्देशन किया था शाहिद लतीफ ने, कहानी लिखी थी अबरार अलवी ने। ये फिल्म ओपी नैयर के सुमधुर संगीत और शेवन रिजवी, अजीज कश्मीरी, अनजान, कैफी आजमी, एचएस बिहारी के गीतों और केजी प्रभाकर की के बेहतरीन छायांकन के लिए याद की जाती है। बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। बहारें फिर भी आएंगी ये फिल्म गुरुदत्त की आखिरी फिल्म थी। फिल्म की शुरुआत में गुरुदत्त ही मुख्य भूमिका निभाने वाले थे लेकिन उनकी मौत के बाद उनकी जगह ये भूमिका धर्मेंद्र ने ले ली और फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू की गई। इस फिल्म में पहले ओपी नैयर की जगह संगीतकार के रूप में एसडी बर्मन को चुना गया था लेकिन उन्हें दिल का दौरा पड़ा जिसके कारण उनकी जगह गुरुदत्त ने ओपी नैयर से फिल्म में संगीत देने को कहा और वे तैयार हो गए। कहा जाता है कि फिल्म का एक गाना जो एसडी बर्मन ने मोहम्मद रफी की आवाज में रिकॉर्ड किया था और जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा तो ओपी नैयर को फिल्म संगीतकार बना दिया गया। एसडी बर्मन की तबीयत ठीक हुई तो उन्हें मोहम्मद रफी वाला गाना भी अपने पास रख लिया। उन्होंने उस गाने को फिल्म में नहीं डालने दिया। उस गाने को कुछ साल बाद एसडी बर्मन ने किशोर कुमार की आवाज में दोबारा रिकॉर्ड किया और साल 1967 में बनी फिल्म ज्वेल थीफ में उस गाने को डाला गया था और वो गाना था ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती है, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर फिल्म का टाइटल सॉन्ग बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी फिल्म में दो बार है। एक बार इसका सैड वर्जन यानी दुखद है तो एक बार सुखद है। दुखद गाने को आवाज दी है आशा भोसले ने तो वही सुखद जो हैप्पी मूड का गाना है वो गाया है महेंद्र कपूर ने। इस फिल्म में कुछ 5 गाने हैं जिन्हें अपनी आवाज दी है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। बॉलीवुड की बेहतरीन
हिंदी क्लासिक फिल्मों में शामिल ये फिल्म 1966 की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है और महेंद्र कपूर की आवाज में इसका गाना बदल जाए अगर माली चमन होता नहीं खाली आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है, लोग इसे सुनना पसंद करते हैं। इस फिल्म में वैसे तो सभी कलाकारों ने बेहतरीन अभिनय किया है, लेकिन अमिता देवी के रूप में माला सिन्हा की भूमिका इतनी सशक्त और काबिले तारीफ है कि उनकी फिल्मों में से एक ये बेहतरीन फिल्म है जिसमें उनके अभिनय को सराहा गया। फिल्म बहारे फिर भी आएंगी की कहानी से पहले इस फिल्म के पात्रों के बारे में पात्रों से आपका परिचय करा दूं। फिल्म बहारें फिर भी आएंगी में जितेंद्र यानी जितेंद्र की भूमिका निभाई है धर्मेंद्र ने। अमिता देवी के किरदार में हैं माला सिन्हा, सुनीता और बबली का किरदार निभाया है तनुजा ने, विक्रम वर्मा की भूमिका में हैं देवेन वर्मा, मिस्टर वर्मा की भूमिका निभाई है रहमान ने, चुन्नीलाल का किरदार निभाया है जॉनी वॉकर ने जो जितेंद्र के अजीज दोस्त बने हैं। तो ये थी कलाकारों की इस फिल्म में जो नाम दिए गए हैं कलाकारों को, उन कलाकारों का परिचय आपने जाना। तो अब कहानी शुरू करेंगे फिल्म बहारें फिर भी आएंगी का। बदल जाए अगर माली चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती है, बहारें फिर भी आएंगी। इस फिल्म की कहानी दो बहनों के प्यार और बलिदान, बड़ी बहन का दुलार और अनुशासन तो छोटी बहन की चपलता और चंचलता, और एक ही शख्स से प्यार हो जाने के बाद एक दूसरे की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देने की एक अलग सी कहानी है। कुर्बानी देने की कोशिश में जान तक की परवाह ना करना और इस पूरे कथानक को 136 मिनट की अवधि में पिरोना कमाल का है। एक अखबार की विश्वसनीयता और उसूल और अपने उसूलों से समझौता ना करने वाले अपने पिता की विरासत को संभालने वाली अमिता देवी जिंदगी के कठिन दौर से गुजरती हैं और अपनी कंपनी, अपने पिता के विरासत को बचाने के लिए, अपनी छोटी बहन की परवरिश के लिए, उसकी खुशी के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे देती हैं। बदल जाए अगर माली चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती है, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती है, बहारें। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक अखबार कंपनी से, जिसके मालिक की मौत के बाद कंपनी को उनकी बड़ी बेटी
अमिता देवी संभालती हैं। उस कंपनी में जितेंद्र नामक शख्स पत्रकार के रूप में काम करता है। अमिता बहुत ही सख्त मिजाज की और अनुशासन प्रिय हैं। जितेंद्र जिसकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वह अपने उसूलों का पक्का है और पत्रकारिता को अपने आय का जरिया नहीं अपना जुनून समझता है। वह कलकत्ते में अपनी बड़ी विधवा बहन, अपनी भतीजी सुषमा और अपने सबसे जिगरी दोस्त चुन्नीलाल के साथ रहता है। जितेंद्र को पता चलता है कि एक खदान में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी खतरे में है और उस खदान में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वह इसकी रिपोर्टिंग करके लाता है और रातों रात अखबार में छाप देता है। सुबह यह खबर देखकर हड़कंप मच जाती है। इस अखबार में प्रमुखता से छपी यह खबर देखकर अमिता देवी नाराज होती हैं, उसे बुलाती हैं और पूछती हैं कि उसने किसकी इजाजत लेकर यह खबर छापी है। जितेंद्र बताता है कि खदान मजदूरों की जिंदगी खतरे में है और उनकी जिंदगी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए यह खबर छापना जरूरी था। अमिता देवी पूछती हैं कि उसने किससे इजाजत लेकर ये खबर छापी। जितेंद्र बताता है कि खदान के मजदूरों की जिंदगी से ज्यादा जरूरी किसी से पूछकर खबर छापना नहीं है। अमिता देवी उसकी इस बात से नाराज हो जाती हैं और उसे नौकरी से निकाल देती हैं। अमिता देवी को पता है कि इस खबर से कंपनी को काफी नुकसान हुआ है। उसी अखबार की कंपनी में जितेंद्र का दोस्त चुन्नीलाल, जो कि फोटोग्राफर है, वह काफी मजाकिया स्वभाव का है। नौकरी जाने के बाद जितेंद्र और चुन्नीलाल दोनों परेशान हैं। जितेंद्र नौकरी की तलाश में है और ट्रेन से कहीं जा रहा होता है। ट्रेन में वह काफी परेशान है, लेकिन ये दिखाना चाहता है कि एक नौकरी चले जाने से ऐसा कुछ बदल नहीं जाता। उसे भरोसा है कि उसमें काबिलियत है तो उसे नौकरी जरूर मिलेगी। दोनों ट्रेन से जा रहे होते हैं और जितेंद्र गाना गाता है। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती है, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती है, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। थकन कैसी, घुटन कैसी, चल अपनी धुन में दीवाने। थकन कैसी, घुटन कैसी, चल अपनी धुन में दीवाने। खिला ले फूल कांटों में सजा
अपने वीराने खिला ले, फूल कांटों में सजा ले अपने वीराने, हवाएं आग भड़काएं, फजाएं जहर बरसाएं, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी, बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। अंधेरे क्या उजाले क्या, ना ये अपने ना वो अपने, अंधेरे क्या उजाले क्या, ना ये अपने ना वो अपने, तेरे काम आएंगे प्यारे, तेरे अरमां तेरे सपने, तेरे काम आएंगे प्यारे, तेरे अरमां तेरे सपने, जमाना तुझसे हो बरहम, ना आए राह पर मौसम, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी, बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी, बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। जितेंद्र और चुन्नीलाल जिस ट्रेन से जा रहे होते हैं, उसी ट्रेन के आगे एक लड़की आती है और कूदने की कोशिश करती है, वह आत्महत्या करना चाहती है। जितेंद्र यह देखता है और उस लड़की को बचा लेता है। वो लड़की उससे बताती है कि शायद वह अपनी कॉलेज की परीक्षा में फेल हो जाएगी, इसी वजह से वो आत्महत्या करना चाहती है। जितेंद्र उसे बचा लेता है। वह बहुत चंचल है और अपना नाम बबली बताती है। जितेंद्र उसे बचाता है। इसी बीच उस लड़की के पैर में मोच आ जाती है। वो लड़की कहती है कि उसे किसी तरह बचा ले। जितेंद्र उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। तभी बारिश होने लगती है। रात का अंधेरा और बारिश से बचने के लिए जितेंद्र और बबली यानी सुनीता एक झोपड़े में शरण लेते हैं। झोपड़ा जिनका है वो किसान है, उनकी पत्नी है। दोनों समझते हैं कि बबली और जितेंद्र पति पत्नी हैं। दोनों अपने झोपड़े में जितेंद्र और बबली को शरण देते हैं। बबली और जितेंद्र के सामने मजबूरी है कि उन्हें रात उसी झोपड़े में बितानी होगी। दोनों के बीच बात होती है। और दोनों एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से देखते हैं। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार उमड़ता है। रात बीत जाती है। सुबह सुबह एक बच्चा अखबार बेच रहा होता है। बबली उससे अखबार लेती है और देखती है कि कॉलेज का रिजल्ट आ गया है और वह पास हो गई है। यह सुनते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है।
अखबार वाला लड़का उससे पैसे मांगता है। बबली के पास पैसे नहीं हैं तो वह जितेंद्र के पैंट के पॉकेट में पैसे ढूंढती है तो उसे जितेंद्र के पॉकेट में उसका नाम चुन्नीलाल लिखा हुआ और उसका पता भी मिल जाता है। बबली जितेंद्र के पॉकेट से 1 रुपया लेकर उस अखबार वाले लड़के को दे देती है। चुपके से बबली सुबह सुबह अपने घर के लिए निकल जाती है। जितेंद्र सोया रहता है, उसे पता भी नहीं चलता। बबली चुपके से अपने घर में दाखिल होती है, वह बहुत खुश है। तभी अमिता देवी उसे आवाज़ लगाती हैं। बबली अपने कमरे से यूं निकलती है जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। अमिता देवी बहुत खुश हैं। उसी बीच उसका दोस्त विक्रम आता है, जो कॉलेज का साथी है। वो बबली से मन ही मन प्यार करता है, लेकिन बबली उसे नहीं चाहती। बबली बहुत खुश है, अमिता देवी भी बहुत खुश हैं कि बबली पास कर गई है। बबली चुन्नीलाल का पता ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात जितेंद्र की दीदी और भतीजी सुषमा से होती है। बबली पूछती है कि क्या यह चुन्नीलाल का ही घर है। सुषमा अपनी माँ से बबली को मिलवाती है। दोनों बबली को देखकर खुश हैं। बबली एक चिट्ठी देकर चली आती है। वह चिट्ठी चुन्नीलाल के हाथ पड़ जाता है। वह चुन्नीलाल जितेंद्र से कहता है कि एक लड़की चिट्ठी दे गई है, वह उसकी तलाश में जाएगा। चुन्नीलाल उस लड़की की तलाश में जाता है, लेकिन वो लड़की उसे मिलती नहीं। उसे मिल जाती है उसके साथ काम करने वाली सेक्रेटरी। अब चुन्नीलाल के सामने मुसीबत है। वह बबली को ढूंढ रहा है, मोच वाली लड़की, लेकिन मिल जाती है उसे उससे प्यार करने वाली मिस चैटर्जी। सुनो मिस चैटर्जी, मेरे दिल का मैटर जी, कलकत्ते वाली रूठ गई क्यों? बात नहीं ये बैटर जी, बैटर। सुनो मिस चैटर्जी, मेरे दिल का मैटर जी, कलकत्ते वाली रूठ गई क्यों? बात नहीं ये बैटर जी, बैटर। यूं कहां चली हो 50 की रफ्तार से, दिल वाला कोई कूद न जाए चलती मोटर कार से। अरे बंठन के यूं कहां चली हो 50 की रफ्तार से, दिल वाला कोई कूद न जाए चलती मोटर कार से। चलते चलते पढ़ती जाओ दिल का ओपन लेटर जी, letter। सुनो मिस चैटर जी, मेरे दिल का मैटर जी, और कलकत्ते वाली रूठ गई क्यों? बात नहीं ये बैटर जी,
B-E-T-T-E-R better. B-E-T-T-E-R better. सुनो मिस्टर जी मेरे दिल का मैटर जी, कलकत्ते वाली रूठ गई क्यों, बात नहीं ये बैटर जी, B-E-T-T-E-R बैटर, B-E-T-T-E-R बैटर। के ना जा मुझको देश मेरा है झांसी, लेकर तेरा लाल दुपट्टा ले लूंगा मैं फांसी, झांसा देखे ना जा मुझको देश मेरा है झांसी, लेकर तेरा लाल दुपट्टा ले लूंगा मैं फांसी, होए होए मरते मरते लिख जाऊंगा गवर्नमेंट को लेटर जी, L-E-T-T-E-R letter, L-E-T-T-E-R letter। सुनो सुनो मिस्टर जी मेरे दिल का मैटर जी, कलकत्ते वाली रूठ गई क्यों, बात नहीं ये बैटर जी, B-E-T-T-E-R better, B-E-T-T-E-R better। इस बीच जिस खदान की खबर जितेंद्र ने अखबार में प्रमुखता से छापी थी, उस खदान में बड़ा हादसा हो जाता है और कई मजदूर मारे जाते हैं। अब अखबार की मालकिन अमिता देवी को यह एहसास होता है कि खबर सच्ची थी और जितेंद्र की रिपोर्टिंग भी अच्छी थी। वह समझ जाती हैं कि जितेंद्र अभिमानी है, उसूलों वाला है और ऐसे लोगों की उनके अखबार कंपनी में ज़रूरत भी है। वो जितेंद्र को वापस नौकरी में रख लेती हैं। जितेंद्र नौकरी पाकर काफ़ी खुश है, आकर अपनी बड़ी दीदी भतीजी चुन्नीलाल सबको बताता है। इस बीच जितेंद्र की मुलाकात फिर सुषमा से होती है। जितेंद्र बबली यानी सुनीता को बताता है कि दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हैं। सुनीता अपने घर जितेंद्र को बुलाती है। जितेंद्र जब सुनीता के घर पहुंचता है तो वहां अमिता देवी को देखकर वह चौंक जाता है। वह बताता है कि अपने किसी दोस्त के यहाँ आया था और पास में ही अमिता देवी का घर है तो इसीलिए चला आया है। अमिता और बबली दोनों काफी खुश हैं। बबली जितेंद्र को कहती है कि क्या वह पियानो बजाना जानता है। जितेंद्र कहता है कि हाँ ठीक है। तो अमिता और बबली दोनों उससे आग्रह करती हैं कि वह एक गाना गाए।
जितेंद्र गाना गाता है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आप गिन गाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है, जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियां, झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियां, दबी दबी हंसी में भी तड़प रही है बिजलियां। शबाब आपका नशे में खुद ही चूर चूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। जहां जहां पड़े कदम वहां फिजा बदल गई, जहां जहां पड़े कदम वहां फिजा बदल गई, के जैसे सर बसर बहार आप ही में ढल गई। किसी में ये कशिश कहां जो आप में हुजूर है। मेरा दिल मचल
गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, अब गिन गाहन कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। वैसे यह गाना जितेंद्र सुनीता यानी बबली के लिए गाता है, लेकिन अमिता देवी जितेंद्र से इतनी ज़्यादा प्रभावित हैं कि वह मन ही मन उससे प्यार कर बैठी हैं। उन्हें लगता है कि जितेंद्र यह गाना उनके लिए गा रहा था। अमिता भी खुश हैं, बबली भी खुश है, जितेंद्र अपने घर चला जाता है। इधर सुनीता और जितेंद्र का प्यार परवान चढ़ता है, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। सुनीता यानी बबली जितेंद्र को अपनी दीदी से मिलवाना चाहती है, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। यह सोचकर वो जितेंद्र के घर भी जाती है, उसके परिवार के लोग यानी उसकी दीदी और उसकी भतीजी सुषमा दोनों और चुन्नीलाल भी सुनीता को काफी पसंद करते हैं। दिल तो पहले ही से मदहोश है, मतवाला है, और कुछ आपने दीवाना बना डाला है। दिल तो पहले ही से मदहोश है, मतवाला है, और कुछ आपने दीवाना बना डाला है। कुछ तो ये उम्र भी दीवानी हुआ करती है, कुछ तो ये उम्र भी दीवानी हुआ कर है। कुछ जवानी की मेहरबान हुआ करती है। जिसने हर सांस को एक शोला बना डाला है, पहले ही से मदहोश है, मतवाला है। ये मचल
में ये दहकते रुखसार, ये मजल्दी हुई जुल्फें ये दहकते रुखसार, रोकिए रोकिए अपनी ये अदाएं पूरे जज्बात में तूफान उठा डाला है। और कुछ आपने दीवाना बना डाला है, दिल तो पहले से मदहोश है मतवाला। जितेंद्र और सुनीता यानी बबली को यह थोड़ा भी भान नहीं कि अमिता भी जितेंद्र से बेइंतहा प्यार करती हैं। अमिता अपनी और जितेंद्र की बात बबली को बताने वाली हैं और बबली भी अपनी और जितेंद्र की बात अपनी दीदी अमिता को बताने वाली है। इसी बीच भारत और चीन के बीच युद्ध का ऐलान हो जाता है। जितेंद्र युद्ध की रिपोर्टिंग करने जाना, युद्ध की रिपोर्टिंग करने के लिए जाने की सोचता है और वो अनीता को, वो बबली को बताता है कि वो रिपोर्टिंग के लिए जा रहा है। बबली ये सुनकर काफ़ी नाराज़ होती है और उसे मना करती है कि वो ना जाए। इसी बीच अमिता को भी पता चलता है कि जितेंद्र युद्ध की रिपोर्टिंग करने जा रहा है। वो अपने कर्मचारियों से कहती हैं कि उसे रोक ले, उसे ना जाने दें। अमिता को पता चल जाता है कि बबली जितेंद्र को चाहती है। अचानक से अमिता एयरपोर्ट पहुंचती हैं, जहां सुनीता यानी बबली और जितेंद्र एक दूसरे की बाहों में हैं। यह देखते ही उन्हें बड़ा सदमा लगता है। वो ये बबली से बता भी नहीं पाती हैं कि वो जितेंद्र को कितना चाहती हैं, लेकिन अपनी छोटी बहन की खुशी के लिए वो चुपचाप रह जाती हैं। उनका दिल रो रहा होता है। Oh।
अमिता अपनी बहन की खुशी के लिए खामोश हो जाती हैं। बबली और जितेंद्र को ये पता भी नहीं कि उनके प्यार से किसी को कितनी तकलीफ पहुंची है। जितेंद्र रिपोर्टिंग से वापस आता है। यह सुनते ही बबली काफी खुश होती है और उससे मिलने पहुंच जाती है। हम
इस बीच जितेंद्र को पता चलता है कि एक पुल है जो टूट गया है और उसके बने हुए एक ही साल हुए हैं। उसे पता चलता है कि इसके पीछे वही लोग हैं जिन्होंने खदान को भी, खदान वाले मामले में भी अपना पैसा लगाया था। वह इस पुल के मामले में सबूत इकट्ठा करता है जिससे जो लेनदार हैं वो नाराज हो जाते हैं। वे चाहते हैं कि जितेंद्र को कंपनी से हटा दिया जाए। विक्रम के कंपनी में मिस्टर वर्मा हैं जो बबली के दोस्त विक्रम के बड़े भाई हैं। वो जितेंद्र को बताते हैं कि अमिता पर उन्हीं लेनदारों का बहुत सारा पैसा बकाया है और जितेंद्र अमिता को बचाने के लिए कुछ करे। जितेंद्र अपनी नौकरी छोड़ देता है। अमिता उसे वापस लाने के लिए काफी कोशिश करती है। अमिता बताती है कि वह जितेंद्र से प्यार करती है। ये बात सुनीता सुन लेती है और उसे गहरा सदमा लगता है। वह अपनी बहन और जितेंद्र के साथ के लिए विक्रम से शादी करने के लिए घर छोड़ देती है। यहाँ तक कि वह जितेंद्र से भी झूठ बोलती है ताकि वह अमिता से प्यार करने लगे। अमिता ये सब देखते हुए, अपनी कंपनी के हालात देखते हुए अपना मानसिक संतुलन खोना शुरू कर देती है। वह इस कदर परेशान हो जाती है कि उसे लगता है कि वह पागल हो गई है। उसे पता चलता है कि सुनीता को जितेंद्र के प्रति उसके प्यार और सुनीता के घर छोड़ देने, कंपनी की तमाम परेशानियां इतनी ज़्यादा हैं कि वह पागल सी हो जाती है। वो सुनीता और विक्रम की शादी रोकने की कोशिश करती है। उसे मंजूर नहीं कि उसकी बहन को कोई भी तकलीफ हो। वह अपने पिता के पुराने ऑफिस में चली जाती है और उसे बंद कर लेती है। विक्रम के घर पर रहते हुए सुनीता को मिस्टर वर्मा के कमरे में अमिता की एक तस्वीर मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि वे अमिता से प्यार करते थे। इस बीच डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है जिसमें जितने भी भ्रष्ट लेनदार हैं अमिता से कंपनी हड़पने की कोशिश करते हैं। जितेंद्र, सुनीता और मिस्टर वर्मा अमिता की तलाश करते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि अमिता को दिल का दौरा पड़ा है। वह फर्श पर पड़ी हुई है और उसका कमरा अंदर से बंद है। वो अपने पिता के फोटो के सामने पागलों की तरह कहती है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई, मैंने अपनी कंपनी को बचाने की कोशिश की, मैंने बबली की परवरिश की। उसे फिर से दिल का दौरा पड़ता है और वह अचेत होकर फर्श पर गिर जाती है। इधर जितेंद्र, मिस्टर वर्मा और सुनीता उसे पागलों की तरह खोज रहे होते हैं। मिस्टर वर्मा को आभास होता है कि जरूर अमिता वहीं होगी जो उनके पिता का पुराना ऑफिस है। दोनों ऑफिस का बंद दरवाजा तोड़ते हैं जहां अमिता बेहोश फर्श पर पड़ी हुई मिलती है। अमिता की जिंदगी के कुछ ही लम्हे बचे हैं। वो जितेंद्र के सामने कबूल करती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है और उससे कहती है कि वो पिता के पुराने कार्यालय को वापस लेनदारों से बचा ले और कंपनी की नई नींव रखे और नई कंपनी और नए जीवन की शुरुआत करे। अंत में अमिता की दर्दनाक मौत हो जाती है। जितेंद्र यह सुनकर काफी परेशान होता है। सुनीता उसे थाम लेती है।
चल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आए। तो ये थी सिनेमाघर कार्यक्रम में आज की कहानी, फिल्म बहारें फिर भी आएंगी की। तो अब अपनी रेडियो दोस्त काजल को दीजिए अनुमति और सुनते रहिए विविध भारती, देश की।